हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका दोस्त सब कुछ गया वापस आया एक और मूवी का रिव्यू लेके। मूवी का नाम है शकुंतला देवी, जो रिलीज हुई अमेजोन पे 31 जुलाई को। तो स्टार्ट करते रिव्यू, लेट्स गो। स्टोरी है बायोग्राफी ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर जो है शकुंतला देवी। बचपन से ही बड़ी बड़ी क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। इवन पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं थी उनको भाई, वो मतलब भगवान ने क्या गॉड गिफ्टेड है उनका ब्रेन, जो सेकंड्स में सॉल्व कर देती थी। आपको लग रहा होगा मूवी यही है, मूवी इससे बड़े टॉपिक को भी कवर करती है कि कैसे रिलेशनशिप। सबसे बड़ा टॉपिक जो मुझे इस मूवी में लगा वो था रिलेशनशिप, मदर डॉटर के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, और इंडिविजुअली अपने करियर की तरफ एक प्रोस्पेक्टिव था वो भी कवर किया गया है। तो मूवी बहुत अच्छी है स्टोरी उसकी, तो आप जब देखेंगे तो आप रिलेट करेंगे कि अपने खुद से रिलेट करेंगे अपने, ठीक है, पूरी जैसे आपने करियर में देखे होंगे उतार चढ़ाव, अपनी फैमिली में रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव, तो वो आपको इस मूवी में मिलेंगे। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। डायलॉग, एक्टिंग मूवी में सब ने आउटस्टैंडिंग की है, ठीक है। और जो भी एक नेटिव लैंग्वेज में एक बंदे ने अपनी लैंग्वेज को सीखा है, वो ही टच अगर वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है तो वो टच उसके अंदर रहा है, ठीक है। साउथ इंडियन बंदा अगर हिंदी बोल रहा है तो भी वो हिंदी जो टूटी हुई है, टूटी फूटी बोल रहा है, वो दिख रहा है। तो आपको एकदम रियलिस्टिक टच मिलता है मूवी में। तो बहुत अच्छे डायलॉग्स कवर करे गए, एक्टिंग बहुत ही अच्छी सब ने करी है। इवन एक फेमस डायलॉग मुझे बचपन का याद आया, विद्या रानी कसम, मतलब बचपन में करते थे ना हम लोग के कुछ, अगर बंदा दूसरा बोला कि झूठ बोल रहा है तो कसम खा, तो बोल रहा है विद्या रानी कसम। तो इस तरीके की मतलब चीज़ें आपको याद आएंगी मूवी जब आप देखेंगे। तो एक्टिंग, डायलॉग, कास्टिंग बहुत अच्छी करी है। मूवी में कुल मिला के 4 गाने हैं, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मोनाली ठाकुर, बेनी दयाल, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सॉन्ग्स बहुत सॉफ्ट और सूदिंग हैं और आपको अच्छे लगेंगे। ये मूवी डायरेक्ट करी है अनु मेनन ने, इन्होंने कुछ मूवी और भी डायरेक्ट करी हैं जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, एक ही मूवी का नाम है, ठीक है, मे बी आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। बट ये मूवी डायरेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो बहुत ही अच्छी डायरेक्ट की गई है मूवी, कहीं भी आपको बोर नहीं होने देगी। और जो बायोग्राफी इन्होंने प्रेजेंट करी है सबके सामने, बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब आप फील करेंगे कि हाँ यार, आपको पर्सनल टच भी बहुत जगह, आप इमोशनली कनेक्ट भी हो पाएंगे मूवी से। तो थम्स अप डायरेक्शन के लिए। फाइनल वर्डिक्ट में बस यही कहना चाहूँगा, मस्ट वॉच मूवी है। इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखिए, बच्चों को दिखाइए, क्योंकि मैंने बहुत मतलब अभी मैंने कुछ यूट्यूबर्स की को देखा कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग शकुंतला देवी को नहीं जानते थे, तो थोड़ा सा शॉक लगा मुझे कि यार मतलब इनको नहीं जानते आप, मतलब ये स्कूल्स में क्वेश्चंस भी थे इनके लिए, तो पता नहीं कैसे लोग नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं ठीक है, बट अगर ये मूवी के थ्रू अगर हम लोग इंडियन टैलेंट को जो पीछे छूट चुका है, अगर हम उसको रिकग्नाइज़ कर पाएँ, सो डैट वी कैन प्राउड ऑन देम कि भाई हाँ, हम इंडियंस हैं और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे हमको रिप्रेजेंट किया है। आज नहीं बल्कि बहुत पहले कर चुके हैं वो काम। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट वॉच मूवी है। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय।